वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सहस्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु आप हंस क्यों रहे हैं अफसर बाबू? आप लोगों की और इस गांव की हालत देखकर चारों तरफ कीचड़ कीचड़। सही फरमाया आपने, इस गांव में आने वाला हर अफसर इस कीचड़ से डरकर भाग जाता है, इसीलिए हम आपको हाथों हाथ लेने आए हैं, कहीं आप भी ना भाग जाएं। मैं यहाँ कीचड़ भगाने आया हूँ, खुद भागने नहीं आया हूँ। तालियां। गांव वालों, ये कीचड़ कोई बदसूरत लड़की नहीं है जिसे देखा पसंद नहीं आई तो भाग खड़े हुए। ये कीचड़ जो बरसों से आप लोगों की जिंदगी में विलन बना हुआ है, अगर मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। तालियां। अफसर हो तो ऐसे जिन्होंने आते ही हमारा दिल जीत लिया और बीड़ा उठाया है कि इस गांव में सीमेंट की सड़क बनाकर ही जाएंगे। तालियां। चले चलिए। इसे हम कभी कभी खोलते हैं, शायद इसलिए जंग लग गई है। ये जगह तो हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है। आप जैसे अफसर लोग कभी आते हैं तो उन्हें बस यहीं ठहराते हैं। सरकार। हरफूल सिंह जी, यहाँ पर तो मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े ऑफिसर ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहर कर मैं इनकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता, आप मुझे माफ कीजिए। माफ तो आप मुझे कीजिएगा अफसर बाबू, किसी उल्लू के पट्टे ने पिछला दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अब अगला भी खुला छोड़ दीजिए। देखिए साहब, मैं गाँव के किसी चबूतरे पर रह लूंगा लेकिन आपके इस मंदिर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, शादी भी करनी है। सही बात है। आपकी शादी हो गई? नहीं जी। तो समझाइए। नहीं नहीं, अरे वो क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। आपकी तारीफ।
मुझे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत नहीं। मेरा नौकर बताएगा मैं कौन हूँ। वो कर्जे की बात मत करना। हुजूर, इस गांव का दौलतमंद धनवान सबसे बड़े जमींदार, 500 बीघा जमीन है, 10 भैंसे हैं, 2 भैंसे घावन हैं, 1 सांड है, 4 बैले हैं, 2 बैलगाड़ियां हैं, 1 टांगा है, 1 घोड़ा है। इस गांव में इज्जत में शौहरत में सबसे महान इस गांव का प्रेसिडेंट है। थे हारे हुए मैं चुप है उल्लू। हारे हुए तो क्या हुआ, लेकिन इस गांव की मान मर्यादा हमारे ही दम से तो जिंदा है, है? तो प्रेसिडेंट साहब, आप इतने बड़े अफसर को इस कबाड़ खाने में ठहराने जा रहे थे? ठहरा थोड़ी रहा था, मैं तो दिखा रहा था। अरे ठहराऊंगा तो इन्हें मैं अपने घर। लेकिन मैं आपको पुराने रीत रिवाज बदलने नहीं दूंगा, ये साहब मेरे यहाँ रहेंगे। नहीं, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे घर ठहरेंगे। जी नहीं, मेरे घर ठहरेंगे। नहीं, मेरे घर। मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। शहर में तो कोई किसी को अपने घर खड़ा भी नहीं करता, और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप दोनों मुझे अपने घर में ठहराने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप लोग यूं ही लड़ते रहे तो ये रोड ऑफिसर रोड पे ही खड़ा रह जाएगा, फिर रोड कौन बनाएगा? देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते तो आप मुझे कभी यहाँ ना लाते। सही कह रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके घर ठहरूंगा। आप आदमी भी ठीक लग रहे हैं। धन्यवाद। अगर मेरे घर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बेशक चले जाइएगा, हमारे घर रहिएगा। बना रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ। चलिए। हाँ, चलिए चलिए, चलो चलिए, आइए आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? आपके घर की सीढ़ियाँ काफी मजबूत है। अरे भाई, इसकी मजबूती की तो जितनी तारीफ करो कम है। तुम्हें पता है 1966 में जब मेरी शादी हुई थी उसके एक दिन बाद ऐसा भयानक तूफान आया यहाँ। तू चलना खड़ा क्यों है, चल। तो मैं क्या कह रहा था, तो ऐसा भयानक तूफान आया गांव में कि सारा गांव तहस नहस हो गया, लेकिन ये घर इसकी एक ईंट तक नहीं हिली, वैसा के वैसा ही खड़ा रहा। अच्छा। हाँ, वाकई इस घर की ईंटें कुछ ज्यादा ही मजबूत। वही तो कह रहा था मैं। आप सिगार पियेंगे? सिगरेट। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल ऊपर वाला कमरा दिखा इनको। जाइए जाइए। ऊपर वाला? हाँ हाँ, ऊपर वाला, और कौन सा, सुनाई नहीं देता, कान में तेल डाला कर। जाइए आप इसके साथ ऊपर जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ऊपर वाला कमरे की बात करता है, बिना चाबी कहाँ और तेल डालने जा रहा हूँ। अरे ये किसे ले आए आप? अमर बाबू को, ओवरसियर है, सड़क बनाने आए हैं गाँव में। तो ऊपर क्यों ले गए आप? ऊपर रहेंगे वो 10 दिन के लिए। हाय राम, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? ये क्या करने चले आप? तुम जाकर चाबियां लाओ, मैं ऊपर का ताला खोल दूं। पहले अपने दिमाग का ताला खोलो। है? क्या आप नहीं जानते आपकी बेटी कैसी है? कैसी है? एक बार भूल करके मैंने उसकी थाली में खाना खा लिया था, उसने थाली बाहर फेंक दी थी। इस सड़क के ऑफिसर को तो वो सीधे सड़क पे फेंक देगी। हाँ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? है? और नहीं तो क्या, सब कुछ जानते हुए भी खतरा मोल ले रहे हैं, कहीं वो आधमकी तो। अरे ऐसे कैसे आधमकेगी, कॉलेज की छुट्टियाँ 15 दिन बाद शुरू हो रही है। जया आएगी तो 15 दिन बाद आएगी, और अमर बाबू तो 10 दिन होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हेलो। अरे वाह, तुम्हें बोलना किसने सिखाया? जया छोटे मालकिन की मायना है। अच्छा। अरे ये तो खूब बोलती है यार। अरे साहब, ये तो अजीब गरीब मायना है, मायना का है समझो सोने की चिड़िया है। हाँ, और हमारे घर के लोगों का विश्वास है कि अगर ये यहाँ से चली जा तो मुसीबत टूट पड़ेंगे इस घर पर। हाँ, और ये अगर यहाँ है तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगे इस घर में। हाँ, वो क्या कहते अंग्रेजी में, गुड का गुड लक। जिसकी मैना ऐसी है वो खुद कैसी होगी? अरे साहब मत पूछो, उसके बगैर तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, और ये जो मालिक इतना चहक रहे हैं ना, बेटी के सामने बोलती बंद हो जाती है। हाँ, इतना घबराते हैं कि सिगार पीना हो तो गांव के बाहर नदी के पार जाके पीते हैं। अच्छा। अरे बहुत घबराते हैं। क्यों रे, साहब खड़े हैं और तू बकवास किए जा रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। आप इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं? नहीं, वो आपकी बेटी घर में नहीं है क्या? नहीं, वो तो कॉलेज में पढ़ती है ना, शहर गई हुई है। कब तक लौटेगी? आप तो रहते हुए तो नहीं लौटनी चाहिए। चुप है, बकवास बंद कर, चल चल निकल यहाँ से, निकल। कौन सा गलत था? आप आइए, आइए ना जी, आइए आइए। ये मेरी बेटी का बेडरूम है। अरे
आवाज के शहंशाह पंकज उदास की तस्वीर? जी हाँ, संगीत मेरी बेटी की जिंदगी है। गाती है क्या? नहीं नहीं, सुनने का बड़ा शौक है। जिस तरह बीन की आवाज नागिन को प्यारी लगती है, उसी तरह मेरी बेटी को गाना। कब शुरू करेंगे? क्या गाना? गाना नहीं, सड़क बनाना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? चुप कर रहे थे तुम, इधर से देख रहे थे, मैं इधर से देख रही थी। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? और ये है क्या? ये दूरबीन है और मैं सड़क बना रहा हूँ। बीन तो सुनी थी, लेकिन ये दूर की बीन पहली दफा सुनी, पहली दफा देखी भी है। और हाँ, तुम वही अफसर साहब हो जो हमारे गाँव में सड़क बनाने आए हो, लेकिन तुम तो हमारे घर। तुम्हारी जबान है या तूफान मेल बोले चली जा रही हो? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। मैं यहाँ की मुखिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पूरे इस गांव के मुखिया हैं। वैसे लोग उन्हें मुन्नी के पिता कहकर भी पुकारते हैं, लेकिन पिताजी मुझे हमेशा मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी बता दिया। वैसे ये मेरा पूरा नाम नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मुनिया रानी हरफुल सिंह चौधरी, बलराना रणधीर सिंह चौधरी, बलराना रंजीत सिंह चौधरी, बलराना रण बहादुर सिंह चौधरी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा। खानदान तक तो अभी मैं पहुंची नहीं। खानदान का सिलसिला तो ऐसा है कि इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम पूरे गांव के लोगों का नाम गिना के सुना दोगे। मैं तो सिर्फ अपना, अपने बापू का और अपनी माँ का नाम बता रही थी। मैं तो माँ का नाम बता के भी फायदा नहीं, वो तो है नहीं इस दुनिया में, वो तो कब की मर गई। लो मूंगफली खाओ, बहुत मजेदार है। जी नहीं शुक्रिया, मुझे बहुत काम है। काम के साथ पेट पूजा भी होगी तो काम ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एक आदमी तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन जया, जो मैं बता नहीं थी वो तो भूल गई, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? कैसा खतरा? ऐसा खतरा कि भगवान ही चाहे तो तुम्हें बचा सकता है, इंसान नहीं। तुम शायद जया को नहीं जानते। जया ऐसी भयंकर लड़की है कि तुम्हारी दूरबीन उठा के कहीं दूर फेंक देगी, और तुम्हें, तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तुम शायद नहीं जानते, जया के नाम से सारा गाँव कांपता है। अरे बदतमीज, बस ने कैसे बैठा तुम्हें मालूम नहीं? मैंने क्या किया? दूसरा थप्पड़ मारकर बताओ तुमने क्या किया। अरे अरे अरे, जाने दो बहन जी, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? बस का पहिया गड्ढे में गिरा और मैं टकरा गया। तू क्यों टकराया मुझे मालूम है, मगर तुझ जैसे बदमाशों की अकल ठीक करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कोई लुच्चा बदमाश नहीं, शरीफ खानदान का लड़का हूँ। हाँ बहन जी, एक कलेक्टर साहब का लड़का है। कलेक्टर का बेटा हुआ तो क्या दूसरों की बेटियों से बदतमीजी करेगा ये? अरे ड्राइवर रोको। चलिए चलिए बहन जी, आपका स्टॉप आ गया। हाँ हाँ मालूम है मुझे। और हाँ, अगर दूसरी बार ये मुझे इस बस में नजर आया तो जूतियाँ मार मार की कसर गंजा कर दूंगी। बहन जी जाने भी दीजिए, चलिए अभी। उल्लू का पट्टा पाजी, आज के जमाने में भी ये लोग औरत को कमजोर समझते हैं। बिगड़न बटलनिया कैसे सापारी, अरे कैसे सापारी। ओ रामा, अरे आएगा तूफान भैया, बचाव सबकी जान, निकल भागा। आज सुबह से मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। मुसीबत को आना है तो आए, लेकिन जया नहीं आने वाली। और अगर आ भी गई तो मैं डरने वाला नहीं। और सुन लो सावित्री, जब मैं उसे डांटूं फटकारूं तो तुम हरगिज बीच में नहीं बोलोगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मगर आखिर में जरूर बोलूंगी जो आपने किया। अरे है अरे क्या किया है मैंने, कौन सा जुर्म किया है? और सावित्री, अगर आज जया ने जरा भी चूचा की तो याद रखना मैं भी श्रीवास्तव हूँ, वास्तव में गुस्से से जल उठूंगा मैं। मालिक मालिक मालिक, क्या है बे? आ गई है। कौन आ गई? बस आ गई है। ओहो, बस आ गई तो चली भी जाएगी। अरे चली नहीं जाएगी मालिक, छोटी माल किराई है। अरे अरे, वो जानवर कहाँ घुसे जा रहे हैं मेरे खेत में? मैं अभी कहाँ भाग रहे हैं आप? अबे भाग कौन रहा है, वो तो जानवर खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं उन्हें भगाने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। तो मैं अब आपके साथ ही जाऊँगी। चलिए चलिए। जानवर काट, अब कहाँ होगा मालिक का बेड़ा करा कोई गंगारी। हेलो, अरे ना हेलो ना नमस्ते, क्या बात है, उदास है क्या? चलो अब तो मैं आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बाप रे, अब कहाँ भाग रहे हैं? बैठिए और संभालिए अपनी बेटी को। ये हमारा घर है,
कहती हूँ ये हमारा घर है। हाँ बेटी ये तुम्हारा ही तो घर है। तो वो कौन है जो ऊपर है? देख लिया तुमने, मैंने इस औरत को मना किया कि ऐसी गलती न करे, फिर भी इसने मेरी एक बात नहीं मानी और उस रोड इंजीनियर को घर में लाके ठहरा दिया, और वो भी तुम्हारे कमरे में। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि हमारी बेटी ये सब पसंद नहीं करती। जो छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाती है वो भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई गैर उसके कमरे में आकर रहे। ठीक है गांव का रोड बनाने आया है तो रोड पर जाकर रहे, मर थोड़ी जाएगा। रोड इंजीनियर है, कोई लाट साहब तो है नहीं। अब जवाब दो, चुप क्यों हो गई? अब हमारी जया बेटी रहेगी कहाँ? हमारी बेटी तो बेचारी अपने ही घर में अजनबी हो गई। अब बेटी तू ही बता मैं क्या करूं, जो होना था सो हो गया। अब ये घर तेरा है, मर्जी भी तेरी चलती है, अब तू ही फैसला कर। माँ तू उसे लेकर आई हो? हाँ मैं उसे लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे कमरे में क्यों ठहराए उसे? इसलिए कि वो कमरा इस घर में सबसे अच्छा कमरा है, और फिर ये तेरे पिताजी की मान मर्यादा का सवाल था। इनकी इज्जत बढ़ाकर मैंने कोई गलती नहीं की, और फिर इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में रह जा, उस कमरे की क्या जरूरत है। ये ले हाथ मुंह धो ले और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पागलपन है जया? अरे बाप रे तो चौंका है रे। जया रुक जा। जया ये सब आपकी वजह से हुआ, ये लड़की तो घर का सारा सामान। अरे बाप रे जया बहुत हो चुकी। जया जया ये तो इधर ही है। भगवान ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया, अरे घर नहीं है। भगवान छोटी मालकिन तो कप्तान कपिल देव हो गई है। ए बाप भागा रे भागा भागा। क्या है प्यार का?
हसरत परी सी दिल नहीं तुझको दिया। पैकेट सिगरेट लेके आना। सिगरेट? कैसा सिगरेट बाबू? अरे बाबा विल सिगरेट, ये ले पैकेट ले जा और दुकानदार से कहना कि ये सिगरेट दे दे। बाबू आप हमको जहर दे दो, हम हंस के पी लेंगे, यहाँ से कूदने को कहो आंख बंद करके कूदेंगे, लेकिन सिगरेट की बात मत करो बाबू, छोटी मालकिन ने कहीं देख लिया हमारी तो छुट्टी हो जाएगी सरकार। देखिए ये सिगरेट नहीं पीना, ये इस घर का नियम है। घर के नियम घर वालों के लिए होते हैं, मेहमानों के लिए नहीं। तेरी छोटी मालकिन का नियम वियम मुझ पर नहीं चलेगा, समझा? जा जाके सिगरेट लेके आ, बहुत तलब लगी यार, जा। कल्लू सिगरेट तो क्या, दुनिया की कोई भी नशे की चीजें मांगे तो उनकी हर फरमाइश पूरी करो, ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान होता है। लेकिन छोटी मालकिन ये भगवान तो सिगरेट पीता है। पीने दो, जब इन्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। ये लीजिए, अगर आप अपनी जान के दुश्मन नहीं होंगे और आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप सिगरेट नहीं पियेंगे। मुझे अपने आप से प्यार तो नहीं, लेकिन आपका कहना बड़ा प्यारा लगा। आज से सिगरेट बंद। कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दे, आज उंगली जला ली, कल को कहेगी काम करना छोड़ दो, परसों कहेगी कपड़े पहनना छोड़ दो और नंगे। मुन्नी तुम बोला कम करो और सुना ज्यादा करो, ये नहीं कि दिन भर बकबक करती जाओ भले उसका कोई मतलब हो या। तो सिर्फ बकबक करती हूँ, लेकिन जैन ने तो तुम्हारी भक्ति भी शुरू कर दी है। चुप। अरे 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 मेरा मुंह मत बंद करो, मुझे बात करने दो। और बात यह है कि अब तुम गए काम से। अच्छा वो देखो उस पेड़ के पीछे, अब तुम दोनों को मिलाने का मेरे पास एक ही तरीका है। क्या? सुनो। Bye.
तूने कहा था ना जी ये तेरा ये दीवाना किस हाल में हाय 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 मेरी जान फंस गया तेरे जाल में मैं फंस गया रे तेरे जाल में लोग यहां क्यों आए? क्या हुआ प्रेसिडेंट साहब? क्या हुआ? जया घर से निकली थी तुमसे मिलने, जब वापस लौटी तो गुस्से से लाल पीली थी और आते ही उसने फांसी लगाने की कोशिश की। यह तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर उसकी मां वहां आ गई और उसने बचा लिया, वरना वो तो क्या कहा था तुमने उसे? मैं बताती हूँ चाचा जी की असलियत क्या है। अमर और जया आते जाते एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, लेकिन अकेले ही अकेले एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कोई एक दूसरे से दिल की बात कहता ही नहीं। मैंने सोचा यूं ही आए भरती भरती ये दोनों बुढ़े ना हो जाएं। मैंने तो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जया कुछ और ही समझ बैठी। चाचा जी मेरी मानी इन दोनों की जल्दी शादी कर दीजिए। हाँ रघुपति राघव राजा लगता है, पर उसमें भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त रहता है। धर्मचंद जी, धर्मचंद जी कोई है घर में? कौन? क्यों पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहां मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। हा? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाए जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुटला सकते हो, लेकिन अपनी लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि
कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निगलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। अब तो मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओह नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो चलो यहाँ से, चलो। जाऊंगी, जाने से पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारी पत्नी को सुना कर जाऊंगी। अच्छा? हाँ, ताकि तुम उसकी नजरों से गिर जाओ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं खुद बता देता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सीता, ये मैडम कह रही है कि मैंने वेलकम होटल में इनके साथ रात गुजारी है, अब ये पैसे लेने आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। इसमें समझाने की क्या बात है, ये तो इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कौन है और इसका पेशा क्या है। आप कैसी बीवी हैं? मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आप ये झूठे आदमी की तरफदारी कर रही हैं। पैसों की खातिर बिकने वाली औरत खबरदार, जो इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो इनके पैरों पर गिरकर भीख मांग ले, ये दे देंगे तुझे। और अगर इनके चरण छू लेगी तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर देंगे और गलत रास्तों से भी बच जाएगी। सीता, ऐश में आकर किसी की मजबूरी को मत भूलो। हो सकता है बेचारी एक बेसहारा मजबूर हो और इसी तरीके से पैसे हासिल करना चाहती हो। पर सुनो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बेबसी पर तरस आ रहा है। इस पर तरस आ रहा है आपको? मुझे तो शर्म आती है इसे देखकर। ये औरत नहीं, औरत जात के नाम पर एक कलंक है। इसे तो सीता, गुस्सा गुरूर की निशानी है और ईश्वर को गुरूर पसंद नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम देखो, इसे मैं देखता हूं। जाओ। That is धर्मचंद। मेरी पत्नी नहीं, सारा समाज मेरी जेब में है। कोई ईश्वर को शैतान कहे तो लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई मुझको शैतान कहे तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि पागल है। इसलिए अगर तुम मेरी बदनामी करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो दूसरों का विश्वास हासिल करेगा, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। जाओ, घर जाकर पढ़ लो। जाओ। That is धर्मचंद। मालिक, राम राम। राम राम। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम यहां धूप में खड़े भीख मांग रहे हो। चलो छांव में आ जाओ, एक मिनट। आओ, ठीक है, आइए। सलाम साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई, तुम लोगों की तनख्वाह मिल गई? हाँ, मिल गई। अच्छा अच्छा। अरे गोपाल। हाँ साहब। तेरी माँ की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है साहब। ठीक है कहने से काम नहीं चलता। बीवी का आंचल पकड़े फिरने से माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, उसकी देखभाल जरूरी है। हाँ साहब। समझ गया? हाँ साहब। क्या? समझ गया साहब। जोरू का गुलाम है ये। रघु, राजू, जॉन। जी साहब। जी साहब। जी साहब। मैंने तुम लोगों को ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है। एक टोकरी और एक फावड़ा लाओ। मैं साफ करा दूंगा साहब, जमादार को आने दीजिए। उसके आने तक ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। एक टोकरी और एक फावड़ा मंगाओ। मैं अभी उठवा देता हूं साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टोकरी और फावड़ा प्लीज, जल्दी जल्दी। इधर लाओ। आदमी को अपना काम खुद करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हर आदमी अपना काम खुद करता तो इस देश की गरीबी कब की दूर हो चुकी होती। अगर उसी दिन मैं ये कचरा यहां से उठा देता तो आज यहां पड़ा सड़ नहीं रहा होता। ये गलती मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर माफ तो आप हमें कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात यह नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी गलतियां ढूंढने में इंसान की भलाई है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। तो आप लोग अपना काम करिए, आप मेरे साथ आइए। मालिक हो तो ऐसा बिल्कुल खरा सुना,
महात्मा के बारे में सुना था, आज इसे साक्षात देख लिया। महात्मा नहीं, ये तो देवता है, देवता। हे धर्मचंद, सुना तूने? तू आदमी नहीं, देवता है। That is धर्मचंद। जब लोग विश्वास के गुलाम हो जाते हैं तो हम जैसों को लोग समाज की पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और हम मजा लूटते हैं। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, धर्मचंद की तरह जियो और धर्मचंद की तरह पियो। दूध वाला, हटो, छोड़ो जाए, दो दूध वाला आया है। दूध वाला आया है तो लौट कर आ जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? ओ भैया जी, बाद में आना। अरे साहब, गली के ऊ कोने से दूध देते भाई, यहाँ तकाल भाई, अब फिर कहाँ पलट के आई? देखो, हम यहाँ नए नए रहने आए हैं, अगर वो चला गया और बाद में दूध नहीं मिला तो? और तुम यहाँ से चलेगी और लौट कर बिस्तर पर नहीं आई तो? छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा, और जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहाँ से हिलना नहीं है, मैं भी आता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं, राम जाने कहा करत है। अरे क्या है, आ रहा हूँ, सुबह सुबह के दिमाग चाटते, चल दूध दो। अरे क्यों हंस रहे हो? ये नहीं फैशन कर लूंगी, दुबई से मंगाया का साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक लटकता। तुमको क्या करना है, तुम दूध दो, चलो। हम दूधवा देते हैं भाई साहब, लेकिन आप अपने गाले और माथे का सिंदूर जरूर पोछ लिया। हमारा नाम रामधनी यादव है, बनारस वाला। जाओ यार। अच्छा साहब, जात भाई, जय राम जी। जा, जा। कौन? कौन आ गया? पापाली भाई, बर्तन धोने आयो। हमारे घर में बर्तन नहीं है। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पड़ोसन से नौकरानी के लिए कहा था, उन्होंने ही भेजा होगा, उससे घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। अरे तो पड़ा रहने दो, लेकिन तुम मेरे पास पड़ी रहो। तो फिर बर्तन क्या तुम धोगे? हाँ हाँ, मैं धोऊंगा। शरीर कहीं मेरा छोटा सा, देखो ये संसार है मेरा छोटा सा। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मैं जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि रात के सुख का एडवांस दे रहा हूँ। हटो, मैं तो मजाक कर रही थी, तो देखेगा तो क्या समझेगा। क्या बोले? छोड़ो। अरे अरे, चलो बर्तन मैं साफ कर लूंगी, तुम जल्दी सुना लो। अरे मेरी बात तो सुन। अरे चलो, क्यों दे रही हो भाई? अरे अरे अरे, क्या क्या कर रही हो? चलो ना लो। अरे क्या हुआ? अरे सवाल मत पूछो, बस अंदर घुस जा। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा? अरे मेरा बाथरूम, मेरा पानी, मेरा बकेट, मेरी पत्नी है और मेरा मुंह। ये बाथरूम है, बेडरूम नहीं। खामोश। नए पति पत्नी जहाँ भी अकेले हो उसे अपना बेडरूम बना लेते हैं। जय बहन। कौन जय बहन? किसकी बहन? क्या बहन है? हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? जय बहन। अरे अब क्या होगा? डरो मत, एक काम करते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। है नहीं है? मेरे सारे कपड़े गीले हैं, मैं कैसे खोलूँ? तुम जाओ ना। अरे भाभी तो खिलाओ, मैं कैसे खोलूँ? तुम खोलो, चले जाओ। ये लो टॉवल और जाओ। अरे अरे जाओ भी। जाओ। घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? आपसे नहीं मिलना है, आपकी पत्नी कहाँ है? जी पत्नी जी। हाँ, अभी अभी कपड़े सुखा रही। अच्छा। जी नहीं नहीं नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े कपड़े तो कब के सूख चुके हैं। हाँ रसोई में। हाँ नहीं 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 नहीं, रसोई कैसे जी, मालूम नहीं कहाँ गई है, लेकिन बाथरूम में नहीं है। ठीक है, आप ये दही उनको दे दीजिएगा जी, और कहिएगा कि मैं आई थी जी। अच्छा एक मिनट, आप आई तो है और आप जा भी रही है, लेकिन अगर वो पूछे कि आपका नाम वगैरह तो कहिएगा कि सीता आई थी। ओके। तुम तो बहुत बेशर्म हो, और क्या सोचती होगी अपने दिल में? अरे क्या खाक सोच रही होगी, सीधी भागकर अपने घर गई होगी और अपने पति के साथ बाथरूम में घुस गई होगी। तमीज, तुम्हें तो किसी जंगल में होना चाहिए था। आए हाय हाय हाय, फिर तो बहुत ही मजा आता, हम दोनों जंगल में अकेले रहते
और हमेशा जंगल में मंगल मनाते रहते हैं। चलो जल्दी करो, देखते नहीं ऑफिस का वक्त हो गया है। ऑफिस? हाँ, ये लो। हेलो अशोक। हेलो अमर, नए घर में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं यार, काफी अच्छा है और काफी बड़ा भी है। बड़े लकी हो दोस्त, शादी करते ही ऐसा मकान मिल गया। अरे यार, ये तो सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की मेहरबानी। मेरा दोस्त तो 5 साल में एक बार आता है इंग्लैंड से। कम से कम तब तक तुम्हें दूसरा मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, मेरा टेबल कहाँ? वो रहा वो। थैंक यू। आई वांट एक्सप्लेनेशन पेपर्स। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दैट्स ऑल। ये कौन है? अपना बॉस है ऑफिस में। ये हम सब का बॉस है। घर में इसकी बीवी इसकी बॉस है। लगता है आज भी बीवी से जूते खा कर आया। पता नहीं क्या हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड है या बैड, ये मैं देख लूंगा। स्टेटस का क्या हुआ? अभी आए नहीं सर। शायद भेजे नहीं गए। कौन भेजे गए? मालूम नहीं सर। क्या मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। आई वांट एक्सप्लेनेशन। गुड मॉर्निंग सर। कौन है तुम? अमर सक्सेना, जूनियर इंजीनियर सर। पोस्टेड फ्रॉम बदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। एग्जैक्टली। ड्यूटी ज्वाइन करने में इतनी देर क्यों की तुमने? वो सर, दरअसल बात ये थी कि मैं सर दरअसल बात ये थी कि मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी? शादी क्यों की तुमने? क्योंकि सर वो की नहीं, वो हो गई ही। हो गई? यानी कि तुमने प्यार करके शादी की? शादी करके तुम प्यार नहीं कर सकते। नहीं। देखो मिस्टर अमर फ्रॉम कानपुर डिस्ट्रिक्ट मदनापुर। मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। मिस्टर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। देखो, प्यार एक मिलावटी सीमेंट है और शादी उस सीमेंट से बना हुआ पुल। अगर वो पुल गिर गया तो मैं तुम पे सख्त से सख्त एक्शन लूंगा, समझे? नाउ गो टू योर सीट, गो। राइट सर। क्या आदमी है? सबके सब गधे हैं, कोई भी सही काम नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू डिसमिस द एंटायर डिपार्टमेंट। हेलो। हेलो, मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, तुम्हें नाम पता बताना जरूरी है क्या? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, उन्हें बुलाओ। मिस्टर अमर फ्रॉम मदनापुर डिस्ट्रिक्ट। यस सर। फोन फ्रॉम योर वाइफ। कम ऑन। कमिंग सर। थैंक यू सर। हेलो जया। अब जया, क्या बात है? मैं यहाँ सुपर बाजार से बोल रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल सिंगल मिरर का लूँ या डबल का? देखो जो तुम्हें पसंद है वही ले लो। ओके गो। फोन पे टाइम वेस्ट मत करो, बाहर जाओ, अपना एस्टिमेट तैयार करो। हेलो सर, मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है? तुम कोई पागल तो नहीं हो? पहले भी यही पूछ रहे थे, अभी यही पूछ रहे हो? बुलाओ उन्हें। मिस्टर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। यस सर। कम हियर। फोन फ्रॉम योर सेम ओल्ड वाइफ। बोलो। पकाने के लिए पोस्टमैन लू या डालडा? एरेंडल का तेल ले लो। फोन रख दो, बाय। सॉरी सर। हेलो। ओके बाबा ओके। मिस्टर अमर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। हेलो। यहाँ चावल भी अच्छे हैं, यहाँ से खरीद लो या गांव से मंगाएंगे? जहाँ से भी खरीदना है खरीद लो, लेकिन मेरी बात साफ साफ सुन लो। जब भी मैं ऑफिस में रहा करूं, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, रख दो फोन। ओके। क्यों बार बार फोन कर रही हो? अकल से काम लो, रख दो फोन। क्या मुझे फोन रखने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? अपने बॉस को फोन दो, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। जी मैडम। सर आपकी वाइफ का फोन है। कह दो नहीं है। मैडम, सर बोल रहे हैं, वो यहाँ नहीं है। हेलो। क्यों जी, तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वैसे ही करेंगे जैसा कर रही हूँ वैसे ही करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरे नावल मत लेके जाया करो, लेकिन तुम शाम को आना, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, शाम को। वेरी गुड वेरी गुड, जरूर देखेंगे। अच्छा डियर, ओके बाय बाय, सी यू।
क्या बात है सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शाम को वाइफ के साथ कुछ पिक्चर विक्चर देखने का प्रोग्राम है क्या? गो टू योर सीट, डू योर वर्क। दिखाई नहीं देता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो? अरे भाई आंखें तो खोल कर चलाता हूँ, लेकिन क्या है कि आंख के अंदर एक तिनका फंस गया था। कहो तो तिनके के साथ आंखें भी निकाल दूँ। नमस्ते जी। राजू कैसे हो भाई? ठीक हूँ। पिताजी कैसे? अच्छे। अच्छा मेरी नमस्ते कहना, अब तुम जाओ। तुमने देखा लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, कितना इज्जतदार हूँ मैं। तुम्हारी कितनी इज्जत है तुमको पुलिस स्टेशन जाकर मालूम पड़ेगा। अरे भाई गर्म क्यों होते हो, वैसे भी गर्मी बहुत है। ऐसा करते हैं ठंडे की दुकान में ठंडा जाकर पीते हैं, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। और तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा पुलिस स्टेशन जाकर। चल। अरे अरे ठहरो भाई, किसी महात्मा ने कहा है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो उल्टा 10 तक गिनना चाहिए, 10, 9, 8, 5, और अगर तब भी ठंडा ना हो तो। और उसके बाद भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो सीधे गिन के 10 चूते मारने चाहिए, 7, 8, 9, 10। अरे रे रे रे, क्या बात है, क्या हुआ मां? अरे साला आप जय जी है ना जी, लेकिन आप इस नाचीज को धर्मचंद कहते हैं, मुझे मेरी बीवी सीता ने आप लोगों के बारे में बताया था। मिस्टर अमर, आज इतिहास बदल गया। कहा जाता है कि दुनिया की सारी जंगें औरतों की वजह से शुरू होती हैं, लेकिन हमारी जंग जया बहन की वजह से रुक गई। अगर जया बहन आज यहाँ ना आती तो हम दोनों दोस्त बनने के बजाय बड़े दुश्मन बन गए होते। आवर्स इज ए हिस्टोरिकल मीटिंग। वैसे मैं और सीता आज आप लोगों के घर आने वाले थे, लेकिन मुलाकात यहाँ हो गई। आई एम वेरी वेरी प्लीज टू मीट यू सर। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लाइट। चुप उसका हो, एक मामूली लाइट की तो बात है, जाने भी दो। अरे मिस्टर अमर अब हम दोस्त हो गए, अब मैं लाइट तो क्या आपके लिए एक नई जीप ला देता हूँ। नहीं मुझे जीप नहीं, मुझे लाइट चाहिए। छोड़ो ना, आपकी तो आदत है हर छोटी बात को बड़ा बनाने की। धर्मचंद जी आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, भूल जाइए। जया बहन, अरे जया बहन मुझे याद ही कहाँ रहता है जो मैं भूल जाऊं। अब चलिए इसी खुशी के मौके पर एक एक कप चाय हो जाए। अरे चलिए देखा आपने धर्मचंद जी कितने नेक और शरीफ इंसान है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहन जी मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि तारीफ जो है ना वो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है और गाली है रेडी कैश की तरह। तारीफ करके किसी को खराब करने से अच्छा है कि गाली देकर उसको सुधारा जाए। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। आपकी क्या राय है अमर साहब जी? मुझे इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप तो बस ऐसे ही है भाई, आपको जो ऑर्डर देना है दीजिए। द ट्रीट एंड द टेबल इज ऑन मी। वेटर बेबी। कौन है? हमारे हेडमास्टर साहब की बेटी है। उस महान आत्मा ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, वरना मैं किस काम का। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि हेडमास्टर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैं जरा बेबी से हेडमास्टर साहब की तबीयत के बारे में पूछ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, बेचारी कुछ परेशान लग रही है। कितने अच्छे दिल के आदमी है धर्मचंद जी। हेलो बेबी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी भाई। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी, और दरअसल जिंदगी का असली नाम जरूरत ही है। मेरा पता है प्लॉट नंबर 10 जी, विले पार्ले स्कीम। रात को ठीक 10 बजे आ जाना। अच्छा मैं लिख कर देता हूँ। रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? दरअसल क्या है कि आजकल मुझको कागज हजम नहीं हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। उन्हें तो आने दो। हाय अमर। हाय शिलू, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। कम ऑन, आई विल इंट्रोड्यूस टू माय लव। ओके, ओ सॉरी। कम ऑन, वेयर इज ही? ओ हियर। इनसे मिलो, ये है मेरे लेटेस्ट लव राजा, बहुत अच्छी डांसर। हेलो, हाउ आर यू? लो कोशिबा, कोशिबा। कोशिबा, कोशिबा। डाले, मैं कॉलेज के दिनों में अमर से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन हो नहीं पाई। यू आर लकी मैन, लकी मैन। कम ऑन, हैव इट। अरे नहीं मैंने छोड़ दिया यार। कम ऑन फॉर ऑल टाइम सेक। मजा आ गया। बेचारी बेबी,
उसकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में क्या बात है? अमर साहब कहाँ हैं? उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे, वहाँ बैठे हैं। आओ चलो मैं तुम अपने वाइफ से मिलाता हूँ। No, I'm getting late. Some other time. Okay. Oh, you mean girlfriend? तब तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते। Okay, bye bye. 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 No, Toshiba, Toshiba. Okay. Bye bye, darling. Toshiba, पागल है। आई आई। सॉरी जया, ये शीला थी मेरे कॉलेज की दोस्त। कॉलेज के जमाने में बहुत मरती थी मुझ पर। एक दिन क्या हुआ मिस्टर धर्मचंद? हाँ धर्मचंद जी, एक दिन शीला आधी रात को मेरे कमरे में आ गई। अच्छा? आधी रात को आपके कमरे में अकेली? किताब देने आई थी। ओ, किताब लेना। मिस्टर अमर, आपको पता है एक सिगरेट जिंदगी के 10 दिन कम कर देती है? ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक। नॉनसेंस नॉनसेंस, मैं सब बातों को नहीं मानता। क्या डर डर के जीना, वी शुड एंजॉय लाइफ। नहीं नहीं, वैसे अमर जी, जया जी, यार मेरा भी यही। अरे जया, सब्जी में झोंक दे रही हो कि गुस्से में? खांसते खांसते मरा जा रहा हूं मैं। जब सिगरेट पी रहे थे उस लड़की के साथ, वहां तो खांसी नहीं आ रही थी, कलेजा नहीं जल रहा था, और अब खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लग रही थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दिए। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो हमारे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी और मेरे तो दिल की रानी थी। हाँ, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। अरे वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई। चुप। तो फिर उसी के साथ मरना था ना, क्यों उससे शादी की, क्यों मेरे पीछे पड़े तुम? पीछे मैं पड़ा था कि तुम मुझे जॉब की तरह चिपक गई थी। अरे मैंने तो तरस खा के तुमसे शादी कर ली, क्योंकि तुम तो खुदकुशी करने चली थी मेरे लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, इसीलिए अब रो रही हूँ। अरे भाई, रोना तो हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी है। और तुम ये मत भूलो कि मैं मर्द हूँ, मर्द। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम बीवी हो, घर संभालो, खाना पकाओ, चुपचाप कोने में पड़ी रहो। चलो जाओ। कोने में मैं पड़ी रहूं? मैं तुम्हें कोने में लगा दूंगी। आए, 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 क्या कर रही हो भाई? मैं तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगी। आग पुड़िया की लाल चुड़िया की क्या कर रही हो? कोने में मैं पड़ी रहूं? ये लो। जया, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ। अरे भाई मैं तो सच्ची मजाक कर रहा था। अरे क्या, मच्छरों मच्छरों। सीता, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं और तुम हो कि तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैं कभी अकाउंट के नाम पर तो कभी ऑफिस के काम पर लगा रहता हूं, कभी समाज सेवा है तो कभी देश सेवा। जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है वो धर्म कर्म में बीत जाता है। दो घड़ी भी तुम्हारे साथ चैन से नहीं बिता पाता। अब देखो ना, ये फाइल पड़ी हुई है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे देखूं या तुम्हें देखूं। आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपना काम कीजिए, शायद इसी में मेरी भलाई है। ये तो सच है, और किया भी क्या जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सीता, रात के 10 बज चुके हैं, अब तुम सो जाओ। आप रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, ये छोटा मोटा काम ऑफिस के लोगों से क्यों नहीं करवा लेते? सीता, अपना काम किसी दूसरे से करवाना या किसी दूसरे के बलबूते पर जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत से किसी दूसरे को जिंदा रखना इसमें बहुत बड़ी बात है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी बात का जिक्र है। अब तुम सो जाओ, अकाउंट का काम खत्म होते ही मैं भी आ जाऊंगा। ओके, सो जाओ। अकाउंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। गुड नाइट। ये क्या, घर में ही? पुराने लोगों का कहना है कि घर से ज्यादा मंदिर सेफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि मंदिर से ज्यादा घर सेफ है। आओ। अरे ये क्या, दरवाजा बंद कर ली। जया जया जया, दरवाजा खोलो। जाओ जाओ, नहीं खोलती। नहीं खोलती है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, और जब जी में आएगा तब लौटूंगा। हाँ हाँ, जाओ उस चुड़ैल के पास, तुम्हें तो बहाना चाहिए। अरे तो इसमें बहाना करने की क्या बात है, मैं क्या डरता हूँ तुमसे?
अरे प्यार करता था मैं उससे एक जमाने में, अब फिर सही, लेकिन तुम पछताओगी, रोगी मेरे लिए। अब इंतजार करती रहना, मैं चला। जाओ जाओ, मेरी चूती इंतजार करती है। हाय छी, तुम्हारी जबान कितनी खराब हो गई है, हो सकता है अभी तुम गाली भी दो। इसीलिए तो जा रहा हूँ, कम से कम वो प्यार तो करेगी, तुम्हारी तरह गालियाँ नहीं देगी। और वही क्या, और भी कितनी पड़ी है। और तुम क्या मुझे कम स्मार्ट समझती हो? अरे रास्ते चलते किसी को भी पटा सकता हूँ, ऐसे ऐसे। तो जाओ, जाके खड़े हो जाओ नाके पर और पटाओ लड़कियाँ। तुम तो हो ही मन के काले, घर में राम गली में शाम बने फिरते हो। खूब पहचाना मेरी जान, खूब पहचाना। मैं राम और श्याम दोनों का मिला हुआ अवतार हूँ। घर में राम गली में शाम, दो मेरे रूप है दो मेरे नाम। घर में राम गली में शाम, दो मेरे रूप है दो मेरे नाम। जो सच है वो कहता हूँ मैं, जो सच है वो कहता हूँ मैं। तू चाहे करे बदनाम, अरे घर में राम गली में शाम, दो मेरे रूप है दो मेरे नाम। जो सच है वो कहता हूँ मैं, जो सच है वो कहता हूँ मैं। तू चाहे करे बदनाम, अरे घर में राम गली में शाम, दो मेरे रूप है दो मेरे नाम। देखे मुझे जो कोई प्यार से, मैं प्यार से क्यों ना देखूं। बोले जो मुझसे कोई प्यार से, मैं प्यार से क्यों ना बोलूं। हूँ प्यार का मैं तो गुलाम, प्यार करूं मैं सुबह शाम। घर में राम गली में शाम, वो मेरे रूप है वो मेरे नाम। घर में राम गली में शाम, तो मेरे रूप है तो मेरे नाम। Thank you.
बसी तू मेरा दिल ना पहचाने सीरिया है तू मैं तेरा राम राधा है तू मैं तेरा श्याम घर मेरा गली में शाम मैं यही हूँ तो मेरे नाम अरे घर मेरा गली में शाम मैं यही हूँ तो मेरे नाम क्या बात है साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप रवि जी तुमने अपनी बीबी को कभी हंसी मजाक में रुलाया नहीं साहब यार मैं तो अपनी बीबी को मजाक मजाक में खूब रुलाता रुलाना अगर हंसाने के लिए तो ठीक है लेकिन खेल खेल में बात बिगड़ जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है हा? अरे मुन्नी अफसर साहब मुन्नी तू यहाँ मुझे यहाँ से ले चलिए बहुत डर लगता है अरे डरने की कोई बात नहीं है लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है आप इसे जानते हैं जी बहुत अच्छी तरह से खेल के नीचे कर मरना चाहती थी ओह माय गॉड हमने इसको बचा लिया और यहाँ ले आए थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब थैंक यू वेरी मच अब जल्दी चलिए यहाँ से लेकिन तुम गांव से शहर पहुंची कैसे वो अपने गांव में कुमार दर्जी की दुकान थी ना वो कपड़े बहुत अच्छे सीता था ब्लाउज तो जैसे जया प्रदा पहनती है बिल्कुल वैसे ही सीता था दर्जी तो अच्छा था ही आदमी भी बहुत अच्छा था देखने में बहुत खूबसूरत और जब वो मुझसे हंस हंस के बातें करता था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अच्छा हाँ अफसर साहब मैंने सोचा कुमार से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा हंसती रहूंगी और एक दिन मैं उसकी दुकान पे गई और उसे कहा कुमार तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और पता है वो शादी करने के लिए राजी भी हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे शर्म आती है तुम्हें बताते हुए देखो तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा हाँ अच्छा तुम मुंह उधर करो और कान इधर मैं आहिस्ते से तुम्हारे कान में बताऊंगी नहीं कुमार मैं ये नहीं करूंगी अरे तुम डरो नहीं मेरे पास तो आओ नहीं कुमार देखो तुमने जिद की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी हाँ अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा मुन्नी आओ मेरे पास आओ नहीं नहीं कुमार देखो मैं कह रही हूँ तुमसे कुमार शादी से पहले पाप है इसके बाद तो हम शादी करने वाले हैं नहीं कुमार नहीं नहीं कुमार फिर क्या हुआ उसके बाद वो बोला जो होना था सो हो गया और रही शादी की बात तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों की शादी कभी होने नहीं देंगे अगर शादी करनी है तो चलो बंबई चल के कर लेते हैं मैंने अपने सारे जेवर और पिताजी की सारी जिंदगी भर की पूंजी उसके हवाले कर दी लेकिन जब ट्रेन में टिकट वाले ने मुझे टिकट के लिए जगाया तो कुमार गायब था चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो तुम्हारे घर अफसर साहब जया घुसने नहीं देगी तुम्हारे घर चुटिया पकड़ के बाहर फेंक देगी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें मदनापुर छोड़कर आता हूँ मदनापुर ना बाबा ना पिताजी से डर लगता है बहुत मारेंगे मुझे गांव जाऊंगी तो कुमार के साथ ही जाऊंगी मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ अरे रवि जी साहब रवि एक आध दो दिन के लिए मुन्नी को अपने घर रह सकते हो साहब एक दो दिन की बात है तो चलेगा तो फिर ठीक है ये सामान गाड़ी में रखो तब तक मैं भी जया को समझा ही लूंगा कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर प्यार का यकीन दिलाते हैं और जब विश्वास हो जाता है तो विश्वासघात करते हैं सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं झूठे बेवफा क्या बात है डियर क्यों मर्दों को इतनी जली कटी सुना रही हो अरे हमारी गली में वो रूपा रहती है ना वो केरोसिन डाल के मरना चाहती थी इस महंगाई के जमाने में केरोसिन डालकर मरने की क्या जरूरत थी
अरे अगर मरना ही था तो किसी रेलगाड़ी के नीचे कटकर मर जाती, कम से कम पति माशा के केरोसिन के पैसे तो बच जाते। तुम मर्दों की जात ही ऐसी है, उस बेचारी की जान के लाले पड़े हैं और तुम केरोसिन की सोच रहे हो। लानत है तुम सब पर, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। और औरतें भी तो अजीब होती हैं। जरा सी बात हुई और मरने की ठान ली। जरा सी बात नहीं थी, रूपा का मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत को भी रखे हुए था। वो बेचारी मजबूरी में मरने का ना सोचती तो और क्या करती। ये उसकी बेवकूफी थी जो जल्दबाजी में उसने मरने का फैसला कर लिया। शक और गलतफहमी औरतों की फितरत होती है, इसी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी औरतें जान दे देती हैं। पत्नी का अपने पति पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, तुम भी तो मर्द हो। मुझे मालूम है तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। खैर, भूख लगी है, अभी लाती हूँ। अभी इसे मुन्नी के बारे में बताना ठीक नहीं है। चुप। कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बीए पास हूँ सर। गुड। टाइपिंग को शॉर्टहैंड भी जानती हूँ। वेरी गुड। सर मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बॉम्बे से दूर भी। इस शहर में मैं अकेली हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। देखो, अपनी राम कहानी सुनाने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। ओके ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। यू सी, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो तुम क्या करोगी? अगर गलती छोटी हो तो माफ कर दूंगी, और अगर बड़ी हो तो? वार्निंग दूंगी। वार्निंग दूंगी, और अगर उससे बड़ी हो तो? सजा दूंगी। समझ लो वो माफी मांगता है, पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तब तुम क्या करोगी? पता नहीं, हो सकता है माफ कर दूं। करेक्ट। यू सी, तुम जैसे लोग अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, हाथ हटा लीजिए प्लीज, हाथ हटाइए। नो, यू आर अपॉइंटेड। कादर, रघु, जॉन। यस सर। नौकरी मांगने वाली इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया आप लोग जानते हैं? इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या? हाँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि मैंने इसके साथ क्या बर्ताव किया। मैंने इसके साथ बदतमीजी की, इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। बट शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक हर कैरेक्टर। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं तो एक पत्नी व्रता इंसान हूं। गैर औरत को हाथ लगाना तो क्या, बुरी नजर से देखना भी पाप समझता हूं। इसको नहीं मालूम कि यह ड्रामा इसका एक इम्तिहान था। जो आदमी जानबूझकर गलती करता है वो दुनिया का सबसे जलील इंसान है, लेकिन जिससे अनजाने में गलती हो जाए वो तो बेकसूर है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं नहीं, माफी मत मांगो। तुम तो बेकसूर हो क्योंकि तुमसे अनजाने में गलती हुई है, और फिर नौकरी में तुम्हें थोड़ा तुम्हारे कैरेक्टर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे कारोबार की भी तुम अपने कैरेक्टर की तरह हिफाजत करोगी। कादर, मैडम का मेरे गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। तुम कल से काम पर आ सकती हो। गॉड ब्लेस यू। जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज धर्मचंद। वो वाला, वो नहीं, उस तरफ। अरे नहीं बाबा, काले के पास। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्नी, मुन्नी, जो रंग तुम्हें पसंद है वही ले लो, समझे? कौन सा पसंद करूं? ये नीला, पीला, लाल, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्यों, तुम तो रोज कपड़े बेचते, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? लाशा की तो सभी कपड़े अच्छे होते बहन जी। तुमको कुछ नहीं मालूम। मुन्नी, तुमको कोई रंगीन कपड़ा पसंद नहीं आ रहा तो ये सफेदी ले लो। अफसर साहब, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़े तो मरने पर पहने जाते हैं। देखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो दे दो, मैं दूसरा देखती हूँ।
कुमार को जानते हो? कौन सा कुमार? अरे वही टेलर कुमार। वो तो यही है। ये है, तो ब्लाउज से कहना उसकी पत्नी आई है। कुमार, ओ कुमार, तेरी घरवाली आई है। अफसर साहब, ये तो कमाल हो गया, कुमार यही है। अच्छा, कार मैं रात भर लफड़ा करती रहती है और अब यहाँ क्या करती है? ओ रास्कल, तो तू यार। अफसर साहब, ये वो कुमार नहीं है। हाँ मैं कुमार नहीं हूँ भाई साहब, मैं राजकुमार हूँ। ये तो कोई मेले में जेब काटने वाला लगता है। चलो चलते हैं। सॉरी सॉरी जेंटलमैन। ठीक है, जल्दी करो ना। ये घर है या मैदान है जंग? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी? कौन मुन्नी? पनो मत, कहाँ है वो और कब आई यहाँ? जया मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। 8 दिन हो गए उसे यहाँ आए, आजकल खार डांडा रोड पर रहती है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम मुझ पर यकीन नहीं करती इसलिए। अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? कसूर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। जिस दिन वो मुझे मिली थी मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे मैं तो उसे यहाँ ला रहा था, लेकिन वो तुम्हारी आदत अच्छी तरह से जानती है, उसने साफ इनकार कर दिया आने से। तुम्हारे गांव का कुमार टेलर उसे बहकाकर घर से भगा लाया और उसका रुपया और जेवर लेकर भाग गया। बेचारी मुसीबत में थी, मैंने उसकी मदद कर दी, और कोई मेरा मतलब नहीं उससे। भगवान पर हाथ रखकर कसम खाओ और सच बोलो। जया अगर तुम यह समझ रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, फिर तो मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूं। कुछ भी हो, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूं और तुम भगवान की कसम खाकर सच बताओ। जया मुझे तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं और ना ही तुमसे ज्यादा किसी से प्यार है मुझे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कहता हूँ, मैंने जो कहा है सच कहा है, मेरा विश्वास करो। हाँ अमर, मैं सीधी सादी हूँ ना, इसलिए पहले तुमसे असलियत जानी चाहिए। कोई दूसरी औरत होती तो अब तक फांसी लगा चुकी होती। पगली। लेकिन अब तुम मुन्नी के चक्कर में मत पड़ो, उसे फौरन गाँव भिजवा दो। जया तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, मैं कल उसे गाँव भेज दूंगा। खाओ मेरी कसम। अरे भाई तुम्हारी कसम, कसम बनाने वाले की कसम। बहुत भूख लगी, चलिए से खाना बनाता हूँ। आओ। जाते वक्त रुपए कैश बॉक्स में रखे थे और बाहर से ताला लगा कर गई थी। अच्छी तरह से याद करो कि रुपए कैश बॉक्स में रखे थे या कहीं और? जी नहीं सर, कैश बॉक्स में ही रखे थे और देखिए चाबियां भी मेरे पास है। रुपया कैश बॉक्स में रखा था, चाबियां तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी रुपया गायब। देखो कमला, मेरे लिए 25,000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड मैं। सर ये सब ड्रामा है, इसे अच्छी तरह मालूम था कि वो रुपया अकाउंट का नहीं था, इसलिए इसने ऐसा किया। आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, वो लोग अपने आप मालूम कर लेंगे। नहीं कादर भाई, मैं एक इंसान ही नहीं एक संस्था भी हूँ, और इस संस्था के ऊपर बहुत से लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, एक इंसान होने के नाते और एक इंसानी जज्बे के तहत मैं अकेले में इसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप जरा बाहर जाइए। ठीक है सर। क्या तुम्हें रुपयों की बहुत जरूरत है? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चुका देना। सर आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रही सर, वो रुपए मैंने नहीं लिए। अब बताओ रुपए कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके। किसे फोन कर रहे हैं आप? मुझे तो तुम कुछ बता नहीं रही हो, सजा मिलने पर भी चुप हो। ठीक है, पुलिस तुमसे खुद ही पूछ लेगी। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ वो तो सही है सर, मुझ पर घर भर की जिम्मेदारियां हैं। अरे वो लोग सड़क पर भीख मांगेंगे। नहीं सर प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए सर, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड।
मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं। मैं पुलिस को फोन भी नहीं करूंगा। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके हा? ये तो अच्छा अपना मालिक बला आदमी, नहीं तो वो नारियल की तरह चिल जाती। चोर तुम नहीं, मैं हूं। मैंने खुद ही अपने रुपए चुरा लिए थे और इल्जाम तुम पर लगाया था। तुम्हें अपने बस में करने के लिए पहले मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाया, फिर चोर और अब पतिता। तुमने उस दिन जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, ये उसी की कीमत थी। दैट इज धर्मचंद। रवि जी साहब, एक काम करना, आज शाम को मुन्नी को उसके गांव पन्नापुर छोड़ाना। ठीक है साहब। और सुनो, अगर मेरे बारे में वो कुछ पूछे तो उससे कह देना कि मैं बिजी हूँ। अच्छा जी। अरे अमर बाबू से मिलना है भाई। कौन अमर बाबू? अरे जो सड़क बनाता है ना वो अमर बाबू यार। अभी बाद में आ जाओ। अरे घी गिर जाएगा, असली घी है यार। जो भी बाजार से देगा तुमको भी किराया देगा, हमको तुम्हारा उतरा। आओ कर लो आओ। अरे चौकीदार आने दो उसे। अरे कैसे उल्लू को खड़ा कर दिया है, कल्लू को आने से भी रोकता है। कब आए कल्लू? अरे अभी तो आए हैं सवेरे वाली गाड़ी से। अरे साहब कितना ढूंढा, कैसन शहर है ये, सड़क का अफसर को तो पहचानता नहीं है। कल्लू ये शहर है, गांव खेड़ा थोड़ी ना। तुम गांव से मेरा एड्रेस लेकर नहीं निकले क्या? अरे हाथ में लिए दिन भर फिरता रहा। हा? दिन भर फिरता रहा, दिन भर फिरता रहा, जब कान में खुजली आए तो मोबाइल निकाल के फेंक दिया। क्या? अरे वही एड्रेस का पर्चा भाई। बैठो बैठो बैठो। और सुनाओ गांव में सबका क्या हाल है? अरे साहब मत पूछो, वो अपने प्रेसिडेंट थे ना, वही मुनिया के बापू, वो तो चल बसे है ना। चल बसे? कब? अरे अभी थोड़े दिन पहले। उसकी बेटी मुन्नी है ना, वो कुमार दर्जी के साथ कहीं भाग गई, और अपनी इज्जत की खातिर बेचारे प्रेसिडेंट साहब ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अगर ये मुन्नी कभी गांव लौटी ना तो गांव वाले उसको खून पी जाएंगे, दुश्मन हो गए सब गांव वाले। अरे गांव की बात छोड़ो साहब, अगर हम कभी मिल जाए तो गला घोट देगा उसका मां, दिन तक गाड़ देगा उसका मां। खैर छोड़ा साहब, चला घर चलते हैं, छोटी मालकिन को मिलने का बहुत मन करता है साहब। वो कल्लू, छोटी मालकिन किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गई हुई है। अब तू एक काम कर, ये पैसा रख, खाना खा और गांव लौट जा। ठीक है साहब, मगर छोटी मालकिन से कहना कि बड़े मालिक और मालकिन बहुत याद करते हैं। कह दूंगा। और ये असली घी का डिब्बा उन्होंने भेजा आपके लिए। अच्छा जय राम जी की। जय राम जी की। चलते हैं साहब। रवि जी साहब, मुन्नी अब गांव नहीं जा सकती, तुम कुछ दिन के लिए उसे अपने घर नहीं रख सकते? घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेलो धर्मचंद स्पीकिंग। हेलो धर्मचंद जी। जी मैं आपका पड़ोसी अमर बोल रहा हूँ। अरे आज हमारी याद कैसे आ गई भाई? जी दरअसल आज मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। भाई बात मेरे बस की हुई और मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। बात यह है कि मुन्नी नाम की एक लड़की जया के गांव से आई है और जया बहन को उसका आपके यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो उसको गांव भेजना चाहती है, यही ना? जी हाँ, लेकिन मैं उसको गांव नहीं भेजना चाहता, ये मेरी मजबूरी है। अमर बाबू, इससे पहले कि मजबूरी आपके लिए परेशानी बन जाए, आप इस मजबूरी को वहीं भेज दीजिए जहाँ से आई है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लें और किसी को बताए नहीं। अमर बाबू, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर अब आज आप मुझे प्लीज फॉर माय सेक। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन किसी जरिए अगर ये बात आपकी बीवी तक पहुंच गई और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनसे सिर्फ सच सच कहूंगा। जी जैसा आप ठीक समझे। अब मैं आपके राज की हिफाजत करूंगा, लेकिन अपने घर की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। देखिए वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो आप घर जाकर अपनी पत्नी से कह दीजिए कि मुन्नी इस शहर में तो क्या, इस पूरे देश में भी नहीं मिलेगी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर अमर, ओवर एंड ऑल।
सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। भाई मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा यहाँ रहना मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा, मगर वो जाने को तैयारी नहीं थी। बेवकूफ है, वो यहाँ करती भी क्या? यही तो मैंने उससे कहा, लेकिन वो बात मानी नहीं रही थी। मैंने खुद उसे समझा कर ट्रेन में बैठा कर मदनापुर भेज दिया। चलो अच्छा हुआ, यहाँ रहती तो खामखा तुम्हें तंग करती। जया, तुम्हें कितनी फिक्र रहती है मेरी, हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो, कितनी अच्छी हो तुम। चलो खाना तैयार है। चलो साहब। क्या बात है, तू क्यों आया? मुन्नी का सामान जीप में रह गया। सामान जीप में रहने दे, मैं पहुंचा दूंगा, तू जा। ठीक है। क्या हुआ, ड्राइवर इस वक्त क्यों आया था? क्या बताऊं, नौकरी क्या अच्छी खासी गुलामी है, दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करते रहो और रात को भी चैन से जीने नहीं देते। बॉस ने बुलाया है। तो क्या जाना है? आज जाना ही पड़ेगा, फाइल जो मंगवाई उसने। मगर जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है, पता है? यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो कुमार जहां कहीं भी होगा मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत। बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन। आहा। खूबसूरत। क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं, पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? ये क्यों करते हो, छोड़ो। अरे मुनिया घबरा क्यों रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी। कुत्ते, दुनिया के सामने राम बना फिरता है मगर है तू रावण से भी बदतर, गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आओ मुन्नी। मिस्टर अमर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है, धर्मचंद का असली रूप तो तुम अब देखोगे। क्या मुन्नी वापस आ गई? गई कहाँ थी जो वापस आ गई? गई ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था मुझसे। झूठ पत्नी का विश्वास हासिल करने का बहुत पुराना नुस्खा है और इस नुस्खे का इस्तेमाल हर पति करता है। तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुमसे झूठ कहा था, वरना वो मुनिया के साथ रंगरलियां कैसे मना सकता था। धर्मचंद जी, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आपने देखा है, एक एक बात सच सच बताइए। तुमसे अमर ने कहा था कि उसने मुन्नी को गांव भेज दिया है ना? हाँ। लेकिन वो तो अब तक इस शहर में विराजमान है। ये कैसे हो सकता है? देखो बहन,
तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मचंद को तो सच बोलने की बीमारी है। अमर झूठी कहानियां गढ़कर बेवकूफ बनाता रहा है तुम्हें अब तक, और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसने मुन्नी के लिए इसी शहर में अलग से एक मकान ले रखा है, और तुम्हें अंधेरे में रखकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ये क्या कर रही हो जया बहन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो। मर कर क्या होगा, जीकर भी क्या करूंगी? हार कर मरने से बेहतर है जिंदा रहकर अमर को सबक सिखाना, क्योंकि आदमी औरत को धोखा देते वक्त भूल जाता है कि जिस दिन औरत अपनी आन पर उतर आए वो आदमी को जीते जी चलती फिरती लाश बना सकती है। जया बहन, औरत वो शोला है जो प्यार से आदमी की जिंदगी को रोशन कर सकती है, और अगर नफरत करे तो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। और अगर तुम अमर से पूछोगी तो मुझे जरूर झूठा साबित करने की कोशिश करेगा, मेरे खिलाफ जहर उगल कर मुझे गिराकर तुम्हारी नजरों में खुद सच्चा और ऊंचा बनना चाहेगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो इस वक्त भी उस आवारा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो जया बहन। दे आई फाइल। फाइल? कैसी फाइल? अरे हाँ, वो फाइल। अब देखो ना, वो फाइल देने गया और काम गले पड़ गया। सारी रात फाइल की थी आंखें फोड़ी, तब जाकर काम खत्म हुआ। अजीब घनचक्कर है अपना ये अफसर भी। अब मैंने उसे समझाया भी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, सारी रात मेरा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी बेचारी। सच? हाँ बिल्कुल सच है। अरे अरे, नौकरियां तो ऐसी हजारों मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी कहाँ मिलेगी? जया जरा पानी गर्म कर दो, नहा कर आराम से सो जाना चाहता हूँ, सारी रात सोया नहीं हूं मैं। मिस्टर अमर, ये रहे तुम्हारे दिए हुए गहने और ये रही घर की चाबियां, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो भी तुम्हारे लिए छोटी ही बात होगी। जया जया, मैंने कह दिया ना कि आगे से अफसर तो क्या, उसका बाप भी अगर मुझे बुलाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम सचमुच अफसर से मिलने गए होते तो एक रात तो क्या, मैं 100 रातें इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बिता देती, लेकिन अफसोस तुम अफसर का बहाना करके मुन्नी से मिलने गए थे। लगता है उस धर्मचंद ने तुम्हारे खोल दिया है। जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोला है मुझे धोखा देके। अपनी गलती पे शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, उल्टा धर्मचंद जी को कसूरवार बना रहे हो। उन्होंने तो एक अच्छे और नेक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है, लेकिन तुम एक पति का फर्ज भूल चुके हो। मैं पति का फर्ज भूल गया हूँ कि तुम्हें पत्नी का कर्तव्य याद नहीं रहा? तुम्हें तो बस वही याद है जो सेठ धर्मचंद पड़ा गया है। खुद तो गुनाहों के दलदल में धंसते चले जा रहे हो, जो शरीफ और इज्जतदार है उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। दौलत कमाकर इज्जत तो बना ली है उसने, लेकिन शराफत किसी बाजार में नहीं बिकती जया। सोने और चांदी की चमक धमक से उसने अपने काले चेहरे को तो छुपा लिया है, मगर अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा सका। इतना नीच और घटिया आदमी है वो कि अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। तुम भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझसे कहा कि मुन्नी को गांव भिजवा दिया है, लेकिन उसे रख लिया यही रखेल बनाकर, और रात भर उस चुड़ैल के साथ मुँह काला करते रहे। मिस्टर अमर, हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं अपने संस्कार को तोड़ूंगी नहीं। संस्कार? लगता है तुमने सिर्फ संस्कार का नाम सुना है, उसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें संस्कार नहीं, तुम्हें गरूर और अहंकार भरा हुआ है। औरत का संस्कार होता है कि उसके पति की मान मर्यादा की रक्षा करे, उसकी इज्जत को बढ़ाए, लेकिन तुम भरे बाजार में पति की इज्जत को मिट्टी में मिला देने वाली औरतों में से हो। तुम्हें पति से मुकाबला करने की हिम्मत तो है, मगर सच्चाई को असलियत समझकर उसे हंसकर गले लगाने की हिम्मत नहीं है। तुम जैसी औरतों को प्यार प्यार सा नहीं, स्वार्थ सा नजर आता है। अभिमान मौका परस्ती है तुम्हारी नजरों में, और दिल में छुपा हुआ प्यार धोखा। ओके ऑल राइट, मैं तुम्हारे सामने सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो या ना हो, यह तुम्हारी किस्मत। अगर तुम रुक जाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है,
और फिर भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मिस्टर अमर, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्दों की ठोकरों पे जिंदगी गुजार देती है। To hell with in your bloody house, मैं जा रही हूँ। जया बहन, गुस्सा थूक दो और भूल जाओ हर बात को। पति रोगी हो या भोगी हो, योगी हो या ढोंगी हो, पत्नी का फर्ज है कि पति के साथ जिए और पति के साथ मरे। अथर्ववेद के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। धर्मचंद जी, किसी का झूठा खाना खाना जया के बस की बात नहीं है। ठहरो जया बहन, तुम मत जा। अमर इसे जाने से रोक लो और अपने हर हरे भरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। शट अप। अमर, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, जिद मत करो। धर्मचंद जी, पैरों पे गिर कर इस घर को फिर से बसाने की कोशिश मत कीजिए। ये घर नहीं, अब नर्क है मेरे लिए। जया बहन, जरा ठंडे दिमाग से अमर के बारे में सोचो तो फिर ये भी तुम्हारे बारे में सोचेगा। अगर तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो मेरे मन को बहुत खुशी होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो तब तक मेरे घर जाकर रह सकती हो। तुम्हें कसम है, जाओ जाकर मेरे घर पर रहो। अरे जाओ ना, सोच क्या रही हो। That is धर्मचंद। गलती अमर की है लेकिन कसूरवारों तुम्हें ठहराएगा। सुखी घर को बिगाड़ने का इल्जाम भी इस पर लगाएगा, इसलिए अभी तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे? आपका मतलब है कि मैं अपने मन को मारकर दुनिया के डर की वजह से उसके साथ रहूं? पत्नी बनकर ना सही, लेकिन एक अजनबी बनकर तो रह सकती हो ना उस घर में। नहीं, अभी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। 7 दिन के लिए रहने को कह रहा हूँ, कोई जिंदगी भर के लिए तो नहीं। 7 दिन के बाद तुम दिल्ली चली जाना। मैं आज ही अपने उस दोस्त रामदयाल को खत लिखता हूँ, वो तुम्हारी नौकरी पक्की कर देगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर देगा। ओके, अब तुम ये चाय पियो। जाने का कारण तो जानता हूँ, लेकिन आने की वजह मैं बताता हूँ। कल तक ये आपकी धर्म पत्नी थी, लेकिन आज से इस घर में सिर्फ एक किराएदार है। अच्छा? जी हाँ, और वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। फिर तो नौकरी भी दिला दी होगी आपने। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज पहला दिन है। आज से ठीक 7 दिन बाद आपकी पत्नी, सॉरी जया बहन, दिल्ली में नौकरी करती होंगी। जया बहन, अब तुम अंदर जाकर अपना काम देखो। मेरी जिंदगी में जहर उगलने वाले सांप, मैं आज तक अपनी बेवकूफ पत्नी की वजह से चुप हूँ, लेकिन जिस दिन तूने अपना सर हद से ऊपर उठाया, मैं तेरा फन हमेशा के लिए कुचल के रख दूंगा। एक बार पहले भी तुम ताकत आजमा कर देख चुके हो, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मिस्टर अमर, लड़ाई ताकत से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही घर में अलग अलग रहने वाले कभी एक साथ नहीं हो सकते। जब पत्नी ही पति की बुराई करेगी तो दुनिया आंख बंद करके उसका विश्वास कर लेगी और तुम्हारी बदनामी होगी। ये होगी तुम्हारी पोजीशन। तुम्हारी बदनामी होगी तो मेरा नाम होगा, ये होगी मेरी पोजीशन। बाकी मैं ठीक 7 दिन के बाद फाइनल सेटलमेंट कर लूंगा। गेट आउट। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। I said get out you bastard. काली मत दो, भगवान का नाम लो। कल मेरे घर पर गणपति की स्थापना है, तुम जया को लेकर आ जाओ, शायद तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तेरे जैसा कमीना आदमी तो भगवान के सामने भी सच नहीं बोलता होगा। गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरिया, खूब तेरा संसार है। गणपति बाप्पा मोरिया, खूब तेरा संसार है। बाप है अत्याचार है, दया धर्म ना प्यार है, सच्चाई की तार है, झूठ की जय जयकार है। सच्चाई की हार है, झूठ की जय जयकार है। गणपति बाप्पा मोरिया, खूब तेरा संसार है। गणपति बाप्पा मोरिया, खूब तेरा संसार है। गणपति
जाने जो जीवन से हार न माने। सुंदर ये संसार है, कर्म की शक्ति अपार है, जो प्राणी लाचार है। गणपति बाप्पा मोरिया खूब तेरा संसार है। गणपति बाप्पा मोरिया खूब तेरा संसार है। बापा मोरिया खूब तेरा संसार है। गणपति बापा मोरिया खूब तेरा संसार है। गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया मंगल कर संसार को तो बांट कर जी न सके, कम से कम दूध तो बांट ले। शीला जी, मुझे चावल पकाने वाली पतीली तो देना। वो तो साहब पहले से लेके चले गए हैं। बीबी जी, आप माँ बनने वाली हैं क्या? जो साहब खाना पकाने का काम संभाले हुए हैं। तू अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। हाँ, ये क्या बीबी जी, मैंने तो एक बात कही थी और आप नाराज हो गई। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा पति मेरे पांव दबाता था। जब पत्नी माँ बनने वाली हो और पति उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे तो सुंदर सा लड़का पैदा होता है। पको मत। चलो जल्दी करो। चलो, क्या जमाना आ गया है। एक वक्त ये था कि वेश्या वेश्या लगा करती थी, लेकिन आजकल ये भी शरीफ घरेलू औरतों की तरह लगने लगी है, इसलिए तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते। चलो जल्दी जल्दी छोड़ो। हेडमास्टर की बेटी क्या आजकल किसी दूसरे शहर में धंधा कर रही हो? हाँ। अरे तुम यहाँ क्या हुआ? क्या बताऊँ बहन जी, मेरी सहेली ने यहाँ मुझे नौकरी के लिए बुलाया था और ये लोग मुझे गलत समझकर ले जा रहे हैं। नहीं नहीं रो मत। मगर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मालूम है, मैं आपके बारे में जानती हूँ। आप लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि मैं शरीफ औरत कौन है और बच्चन कौन सी। ये शरीफ लड़की धर्मचंद जी की हेडमास्टर की बेटी है। आओ बहन। ठहरिए, पहले ये बताइए आप कौन है। मैं कौन हूँ, इसे आपको क्या मतलब? आप इसे सीधी तरह छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं। मुँह क्या देख रहा है, चल इसे भी बहन में डाल। धंधा करने वाली की तरफदारी धंधा करने वाली ही कर सकती है, कोई शरीफ लड़की नहीं। चलो। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो? आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वही जो तुम हो, एक शादीशुदा औरत के साथ ये सुलूक। छोड़ो मुझे। शादीशुदा तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या नाम है आपके पति का? पति होता तो बताती, पति नहीं तो कहाँ से नाम बताएगी। चलो चलो जल्दी बैठो। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को अच्छे बुरे की तमीज है कि नहीं? छोड़ दीजिए इसे। शी इज माई वाइफ। क्या सबूत है आपके पास? इज्जतदार और बाजारू औरत में सिर्फ एक ही फर्क होता है, सुहाग की निशानी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो आजकल किलो के भाव से बाजार में मिलते हैं। जरा नजर उठा के देखिए, इन सबके गले में मंगलसूत्र पड़े हुए हैं। क्या ये सारी औरतें शरीफ और इज्जतदार हैं? निहायत ही सर फिर एक किस्म के इंस्पेक्टर है आप। ये देखिए। सॉरी सर, गलती इसमें इनकी भी है,
बार बार पूछने पर भी इन्होंने पति का नाम नहीं बताया। कैसे बताती? आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपने पति का नाम अपनी जबान पर नहीं लाती। आई एम सो सॉरी। आइए बहन जी आइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। नाइस मीटिंग यू सर। पत्नी पति को अहमियत देना भूल गई है, लेकिन समाज समाज अभी तक नहीं भूला। दुनिया वालों देखो, मेरी बीबी मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे मर गया रे। अरे बच्चों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ पड़ोसी, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें पड़ोसियों की पड़ी हुई है? अरे राम राम राम, तुम तो जानती हो कि मैं दो चीजों में देरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, एक खाना और दूसरा तुम्हारा प्यार। आप जल्दी चलिए। क्यों, क्या बात है? मुन्नी ऑफिस में आई थी, आपसे मिलना चाहती है। पता नहीं क्या गड़बड़ है, मैंने उसे समझाकर घर भिजवा दिया। चलो। क्या बात है, रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं, मुझे तो यहाँ लाकर भटक दिया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आओ मेरे साथ। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी इधर तो आओ। अरे क्या हुआ? अरे इन्होंने तो परेशानी कर दिया, सवाल पर सवाल, अनशन, जब देखो तो कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ, आप ही समझा दीजिए इन्हें, मेरे पति का नाम कुमार है या नहीं? हाँ है। तो नहीं नहीं, जरा ठीक से समझा दीजिए, इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ देखिए बहन जी, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी मत कीजिए। अरे आप आइए ना। कमाल है, न खत न तार, सब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ। बिना बताए ही आ गए, क्या बात है? अरे हाँ? ये भी कोई पूछने की बात है, क्यों आ गए? कहो तो वापस लौट जाए। नहीं नहीं, ये बात नहीं, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अरे ये मैना कहाँ है? वो तो उड़ गई। उड़ गई? जया तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बहुत दुबली हो गई है। दुबली लग रही है। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई अच्छी खासी तो है, तुम्हें भी चश्मों की जरूरत है लगता है। हटो जी, आइए। कितना बड़ा घर है। अरे भाई हमारा दामाद भी तो बड़ा है। अरे ये रसोई यहाँ क्यों है? अरे ये नाश्ता बनाने के लिए है। अच्छा? हाँ। नहीं नहीं, रसोई तो अंदर है। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, भाई हमारा दामाद तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, रसोई घर को भी बिल्कुल इंद्र भवन की तरह सजा रखा है उसने। मगर जया ये दो दो चूल्हे क्यों है? अरे भाई मैंने कहा ना यहाँ नाश्ता बनता होगा। आप चुप रहेंगे? जया बता, आप लोग थके मान आए हैं, पहले चल के नहा लीजिए ना, बाद में बातें करेंगे। चलो ठीक है, बाथरूम कहाँ है? इस तरफ पिताजी। चलो चलो, वैसे भी सर में बहुत धूल भर गई है, चलो भी। अरे आज आप बहुत लेट हो गए। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आप थक गए होंगे, चलिए। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? छोड़ो। अरे रे बैठिए ना, सवेरे ही मम्मी और डैडी आए हैं और आते ही आपके लिए पूछने लगे, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं और वो बस समझ गया। बैठो बैठो दामाद जी, बैठो, जीते रहो, खुश रहो। और सुनाओ दामाद जी, कैसे हो? ठीक हूँ। आप लोगों के आने से जया का चेहरा ऐसे खिल उठा है जैसे रेगिस्तान में बाहर आ गई हो। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना के। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी
बाहर से पीकर आ रहा हूँ। देख रही हो नमा, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं चाय बना कर रखती हूँ और ये साहब बाहर से पीकर आते हैं। ना मेरे हाथ से पानी पीते हैं, ना मेरे हाथ का कुछ खाते हैं। यहाँ तक के खाना भी घर में नहीं खाते। अब तुम ही समझाओ इनको। ऐसा क्यों करते हो बेटे? खामों का सेहत खराब हो जाएगी। सेहत? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? जया तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम अपनी मनमानी करते हो। वो जैसा कहती है वैसा तुम क्यों नहीं करते हैं? डैडी, आप और मम्मी यहाँ रहेंगे तो? हम यहाँ रहने नहीं, तुम दोनों को लेने आए हैं। गुड, वेरी गुड, चलिए हम भी तैयार हैं। यूं ही बात में लगे रहोगे क्या? चलो उठो, नहा धोकर कपड़े बदलो। सॉरी। जाओ जाओ नहा लो। ठीक है, आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। बस यही गड़बड़ है। मैडम जरा मेरे जूते उतारिए। अरे जया मेरे जूते उतारो। हाँ हाँ उतारती हूँ। आज शाम को अपनी वो काली वाली जरी की साड़ी पहनना। जया तूने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, कौन सी साड़ी पहनूं? अरे वही काली वाली साड़ी जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए गांव से भेजी थी। तुम उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो जया। जानती हूँ। और आज शाम को, आज शाम को हम दोनों एग्जीबिशन पर भी जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। और उसके बाद रात को होटल अजंता में खाना भी खाएंगे। कैसी तुम्हारी मर्जी। और आज रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर सोएंगे। ये गुरु भरा प्यार और ज्यादा मत जताओ। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ इसलिए मिला रही हूँ कि मेरे माँ बाप को मेरी हालत पर अफसोस ना हो। और यही वजह है कि मैं अपने स्वाभिमान का गला घोट कर तुम्हारे साथ नाटक कर रही हूँ। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरे साथ इंसानियत से पेश आओ, और जब तक वो लोग यहाँ हैं तब तक मेरी मदद करो। अरे जया बहन, ये रहा तुम्हारी दिल्ली वाली नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू धर्मचंद जी। प्लेजर इज माइन जया बहन। मिस्टर अमर, दो या तीन दिन के अंदर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर दिल्ली जा रही है। तुम दोनों को बिछड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। भगवान दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। धर्मचंद जी देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊंगी? जया बहन, जहाँ इतना किया वहां वो भी कर लेंगे। कहाँ है श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव जी ऊपर है। ऊपर? नमस्कार है? नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। आप? मेरा नाम धर्मचंद है, मैं अमर और जया का पड़ोसी हूँ। बैठिए। शुक्रिया। जया आपकी तारीफ कर चुकी है, आप तो बिल्कुल महात्मा गौतम बुद्ध हैं। ये तो उनका बड़प्पन है, वरना मैं किस लायक हूँ। सही बात है, मेरा मतलब है आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं, यही तो आपकी महानता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, ये वही है अपनी बेटी के पड़ोसी। नमस्ते। श्रीवास्तव जी। भाभी जी, कल मेरी शादी की सालगिरह है। इस मुबारक दिन पर मैं छोटों की खातिर करता हूँ और बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ। अच्छा। कल आप भी अमर और जया के साथ तशरीफ लाइए। मैं जानता हूँ कि आपका दामाद कामकाज में बहुत मसरूफ है, बिजी है, फिर भी उसको लाने की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूँ। दोस्तों, ये जो आंसू आज आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, इनमें से कुछ खुशी के हैं और कुछ गम के। खुशी इसलिए नहीं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, बल्कि इसलिए कि आज हमारे बीच एक ऐसा आदर्श जोड़ा मौजूद है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और गम इसलिए कि ऐसा जोड़ा हम में से सिर्फ एक है, और वो है मिस्टर एंड मिसेज अमर। अब मैं अमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खुशहाल वैवाहिक जिंदगी का राज
हम सबको बताएं मिस्टर हमर। कौन कहता है कि तुम गलत हो, लेकिन सही भी कौन कहेगा तुम्हें? अगर आप उनके बारे में सब कुछ जानते तो ये बात कभी नहीं कहते।
तुमसे ज्यादा जानते हैं बेटी। अमर ने हमें खत लिखकर सब कुछ बता दिया है और उसी के बुलाने पर हम दोनों यहाँ आए हैं। हाँ, अच्छा तो फिर ये भी बताया होगा कि वो रखेल के साथ गुलछरे उड़ा रहे हैं। ये झूठ है बेटी, मुन्नी को उसने गांव वालों से बचाकर सहारा दिया और मैं समझता हूँ वो अपनी जगह सही है। उन्होंने विश्वास दिलाकर अंधा बना दिया है। पानी में बहते हुए इंसान को सारी दुनिया बहती हुई नजर आती है। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जय, उसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर देगा। हाँ। दूसरों के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने से तो बेहतर है अपने पैरों पर खड़ा होना। और अगर उसमें भी नाकाम हो गई तो फिर मर जाऊंगी मैं, लेकिन झूठे पतंग को चाटकर एक पल भी नहीं जीऊंगी। रहने दीजिए से। जन्म देके अच्छी परवरिश करना हमारा फर्ज था, वो हमने पूरा किया। अब अपने घर को संभालना इसका फर्ज है। माँ बाप के हैसियत से हमने समझाने की कोशिश की, ये नहीं मानी, इसकी मर्जी। चलिए हम अपने घर चलते हैं। जया अफसर सबको छोड़कर जा रही है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं और किसने बताया भी नहीं। तुम्हें ही नहीं, आज तक उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मुन्नी, अब तुम ही हो जो उनके घर को बर्बाद होने से बचा सकती हो। हाँ, जरूर बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी मैं। जया तू घर छोड़ के जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मुझे क्या पता था मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेचारे अफसर साहब मेरी परेशानी दूर करने चले थे और खुद परेशानी के शिकार हो गए। पर तू जा कर रही है, तू तो बेवकूफ है, इतना भी नहीं समझती अपने हाथों से तो अपना घर उजाड़ रही है। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे अफसर साहब का तो सोच, वो तो देवता है। जया तू कहीं जाएगी नहीं, मैं कह रही हूँ। चल तो चल, हट। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, तू जाती है कि नहीं यहाँ से, चल बाहर। मेरे होते हुए तो अफसर साहब का घर बर्बाद नहीं कर सकती, मेरी वजह से तू तंग कर रही है, लेकिन इस बात की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जया जबान संभाल कर बात कर, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ कर मुझे ही कोस रही है तू। पाप को जन्म तो तुझ जैसे तो नहीं दिया है। चल यहाँ से, चल। जया, जया मेरे बात सुन, चल निकल यहाँ से। अब मैं तुझे कैसे समझाऊँ, मुझे तो कुछ कहने ही नहीं दे रही है तू। जया अफसर साहब बहुत भले आदमी है, मेरी बात सुन, अपना घर मत उजाड़। तू अपनी बकवास बंद कर और तपा हो जा यहाँ से। जया मेरी पूरी बात तो सुन ले, तेरा पति भगवान का रूप है। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ जया, मेरा उनके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है, मेरा विश्वास कर, ये सब उस धर्मचंद की चाल है। खबरदार जो उस महानादी का नाम अपनी गंदी जबान पर लाई तो, चल निकल यहाँ से। जया देख, जया मेरी बात मान, अपना घर मत बर्बाद कर, चल भाग यहाँ से। तुम्हें ये बात मुन्नी से नहीं बतानी चाहिए थी, वो जरूर जया के पास गई होगी और जया पहले से गुस्से में, मुन्नी उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुझे तो डर है कि वो पागल लड़की कुछ करना बैठे। बाबूजी, घुसने नहीं देगी आपके घर, धक्के मार के बाहर निकाल देगी। हाँ, अरे वाह, बोले खुद चले जा रहे हो, कहते हो मुझे बोलने की बीमारी है। लगता है बचपन में तुम्हारी माँ ने घुट्टी की जगह कोई ऐसी दवा पिला दी थी जिसे तुम्हें बोलने की बीमारी हो गई है। अफसर साहब, मैंने सोचा कुमार से मेरी शादी हो जाए तो मैं हमेशा हंसती रहूंगी। अफसर साहब तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़ा तो मरने पर पहना जाता है। अरे रे रे रे, मेरा मुंह बंद मत करो, मुझे बात करने दो। मुन्नी मर गई, उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि तेरे अंधे अहंकार ने
उस भोली भाली की हत्या की है। इस बात का एहसास जब तुझे होगा तो तड़प तड़प कर जिंदगी भर पछताएगी तू, रोएगी और हर पल घुट घुट के मरती रहेगी तू, और यही तेरी सजा होगी। मैंने लाख कोशिश की कि हमारा ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन तूने तूने सात फेरों का नाता एक पल में तोड़ दिया। गुड, वेरी गुड। अकेली रहना चाहती थी ना तू, तुझे तेरी तन्हाई मुबारक हो। मैं जा रहा हूं तुझसे और तेरे साये से भी दूर। गुड बाय। अमर जी, इतनी आसानी से जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। आपकी तरह मैं भी धर्मचंद की सताई हुई हूं, उससे बदला लेने का अब एक ही रास्ता है। क्या? हेलो, धर्मचंद स्पीकिंग। मैं जया बोल रही हूँ। जया? जया, क्या बात है? बोलो बोलो जया बहन। जया बहन, क्या मैं आपकी बहन लगती हूँ? है? हैरान हो गए? आप जैसों को हैरान करने में भी मजा आता है। क्यों, चुप क्यों हो गए? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। नादान मत बनिए। भला कभी कोई औरत अपनी जुबान से किसी मर्द के साथ ऐसी बातें करती है क्या? समझ गए ना? आज की रात हम दोनों एक साथ। देखो जया बहन, मेरा नाम धर्मचंद है और आप जया हैं, और हम दोनों फोन पर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सच तो है ना? बिल्कुल सच है जी। आज रात 10 बजे मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मिलेंगे ना अकेले में? हेलो 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 हेलो, अथर्ववेद लिखने वाले ने ठीक ही लिखा है कि अकलमंद लोग भी कभी कभी बेवकूफी कर ही बैठते हैं। खैर, वक्त पर संदेशा मिला रात के 10 बजे। नमस्ते जी, मेरा नाम कमला है, मैं धर्मचंद जी की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, कहिए कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर एक औरत के साथ नाइंसाफी हो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब? धर्मचंद जी आपको दिल्ली में नौकरी दिलवा रहे हैं ना? हाँ। और कल ही आपको जाना है ना? जी हाँ। अब आप दिल्ली नहीं जा पाएंगी और नौकरी की भी उम्मीद आपको छोड़ देनी पड़ेगी। क्यों? आपके पति के साथ आपकी कुछ अनबन हो गई है, इसीलिए वो आपको हर तरह से लाचार और बेबस करके घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। आपको कैसे मालूम? आपके पति ने धर्मचंद जी के पैर पकड़कर मिन्नत की है कि वो आपको नौकरी न दिलवाए। समझ गई, अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। बहन जी, आप धर्मचंद जी को समझा बुझा कर अपनी तरफ खींच लीजिए। आप अगर उनके सामने जाकर अपना दुख कहेंगी तो वो जरूर पिघल जाएंगे। भले आदमी है, आपकी बात जरूर मान जाएंगे। देखिए, अब 10 बजने वाले हैं, कहीं वो सो न जाए, आप अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। आ गई। वेलकम वेलकम मैडम, you came into my house, that is God's nature. You came into my house, that is God's nature. Sometimes I look at you and sometimes my furniture. बिल्कुल ठीक वक्त पर आई। वक्त बीत ना जाए, इसीलिए वक्त पर आई हूँ। अच्छा, सच सच बताओ, मुझे देखने की ख्वाहिश कैसे हुई? सिर्फ देखने की ही नहीं, कुछ कहने की भी है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर मैं तुम्हें खुश कर सका तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बड़ी खुशी महसूस होगी मुझे। आप जैसे आदमी का मिलना मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती तो मेरी होगी अगर मैं कुछ कर सका तो। देखिए, अब तक मैं आपके भरोसे पर रही, अब आप ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? बहुत नाइंसाफी होगी। तुम्हें जो कुछ कहना था तुमने साफ साफ कह दिया,
अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बैठो ना। ओहो, डरने की कोई बात नहीं है। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स। आप कितने अच्छे हैं। देखिए, आप अमर की बातों में मत आइए, बस किसी तरह मुझे दिल्ली की नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी की बात इस वक्त क्यों, अब उसे वहीं छोड़ो। अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, करीब। मेरी पत्नी से डर रही हूँ। घबराओ नहीं, माता के जागरण में गई है, रात भर वहीं रहेगी और जब तक वो वापस आएगी अपना काम। तुम धर्मचंदी हो ना? अब तक तुमने जिस धर्मचंद को देखा वो धर्मचंद नहीं, दिस इज धर्मचंद। होश में रहो धर्मचंद, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया जान से मार दूंगी। खुद ही आई और अब खुद ही डर रही हो। औरत को भगवान ने इच्छा दी, आनंद दिया, हसीन बनाया, खूबसूरत जिस्म दिया, मगर ताकत नहीं दी, ताकत सिर्फ मर्द को ही दी। अब अगर मैं हिम्मत करके ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो तुम्हें निराश लौटना पड़ेगा। जया, तुम बहुत संस्कारी हो और यह ठहरा उस संस्कार को जिंदा रखने वाला धर्मात्मा। एक संस्कार दूसरे संस्कार पर हमला करे ये तो कोई संस्कार नहीं हुआ। अथर्ववेद के आखिरी पन्ने के आखिरी श्लोक में मुझ जैसे संस्कारहीन लोगों को बताया गया है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। ये रहा मिस्टर क्रिकेट, पहले अध्याय का पहला श्लोक। ये रहा दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो तू 7 दिन में हमारा फाइनल सेटलमेंट करने वाला था ना? हाँ, अब मैं तेरा फाइनल सेटलमेंट करूंगा। हमारी जिंदगी के साथ खेलने वाले कमीने, इससे पहले कि मैं तेरे जिस्म से तेरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन लूं, तुझे सच्चाई पे पड़े हुए झूठ के पर्दे को हटाना होगा। सब कुछ सच सच बता, वरना मैं तेरी जिंदगी का खेल खत्म कर दूंगा। बोल, बोल। धर्मचंद, दैट इज अमर। तू जैसे आदमी को तो रुक जाओ जया, तुम जो जानना चाहती थी वो जान गई, अब जाओ यहां से। आप नहीं जानती ये कैसा आदमी है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी अब बर्बाद की है इसने। तुम्हें तो आज पता चला है, मैं तो इन्हें शुरू से ही जानती हूं। कितनी रातें गवाई हैं मैंने, कितनी रातें नागन बनकर डसती रही है मुझे, कितनी बार मर मर कर जीती रही हूं, नर्क की आग में जलती रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम लोग मुझे ही दोष दोगे कि ऐसे पति के साथ मैं क्यों जी रही हूं। मुझे यह भी मालूम है कि तुम लोग मुझे औरत साथ के नाम पर कलंक कहोगे। इतना सब कुछ जानते हुए भी आप इसकी तरफदारी कर रही हैं? तो क्या करूं, पति को छोड़ दूं? सीता, तुमने वो कर दिखाया जो इस जमाने में कोई पत्नी नहीं कर सकती। तुम पतिव्रता हो, महान हो, किसी पति को अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसे मैंने किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। माफ कर। ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए। तुम जैसे आदमी को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो ऐसे जया। जाओ जया, अब भी वक्त है, अपने टूटते हुए घर को बचा लो, जाओ।
Oh, my God.